कोई भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन्हें चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी गिग्गी बद गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख रहे थे, मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी उसको मारा, देखा फिर फड़फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में भूतों से भरा हुआ किला। जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट, हम उसमें वैसे चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नजरिए से वहां गए, उनके मैनेजर आके कहते गुरु जी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के किले। हमने कहा भानगढ़ के किले रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं? हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहते गुरु जी ऐसा है, वहाँ जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा आप एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ूं, तू दिखा कहाँ है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं, पुराने समय की बात बेप्रवाजी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय, आजकल भी है बेप्रवाजी जाया करते हैं राजस्थान में, हम लोग भी बनाते कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह, तो आप वहाँ हम जाते तो होले वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होले बन गई, बहुत स्वाद बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं वो, चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है, तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होले की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और इकट्ठी कर ली, तो अंदर डालते थोड़ा सा ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला, झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली तो अंदर डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला, उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिटण कहते हैं उसको, टिटणी काले रंग की होती है बिल्कुल होड़ों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में डल गई ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है, तो वो अंदर से चिर 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 ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ूं, कि चाहे कुछ भी कर, मतलब उसको लगा अब भोला था कि ये चने की टाटे ही कर रही है चिच चिच चिच, कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई, वहां हमने कहा कोई भी हो, तो वहां गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे वहां, थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे उनकी भी गिग्गी बदी, इधर मत जाना ये अंधेर कोपड़े, हमने कहा टॉर्च दे, उनको भी देखे कुछ नहीं है, इधर देखा कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं, मत डरा करो।